सो वेलकम टू अनदर व्लॉग फ्रॉम उदयपुर. और आज है मेरा बर्थडे और अभी भी हम उदयपुर में हैं और अगले दो दिन हम यहीं रहने वाले हैं. तो जो कुछ भी होने वाला है वो आप थोड़ी देर में देना. अब विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. इन सबसे ज्यादा है ना, मैं आपको याद कर रही थी. पता है कल रात को भी मैं यही सोच रही थी कि यार राहुल होता तो कितने मजा आते. एक और सरप्राइज मिल चुका है, राहुल भी अब हमें ज्वाइन कर चुका है. और आप देख सकते हो कि सब सो रहे थे. मैंने क्लब जाने से रख नहीं बोला था कि आएगा. हाँ साक्षी जी ने बोला तो था. कुछ भी. सो गाइस, राहुल हमारे साथ आ नहीं पाया था क्योंकि उसके पापा की तबीयत खराब थी, लेकिन अब वो भी आ गया है क्योंकि अंकल की तबीयत. दिशु देख, बैग खरीद लिया यहाँ पे. मेरे को तो ऐसा लग रहा था, मैं बोला था ना, तो मैं लग रहा था आएगा आएगा बिल्कुल आएगा. वाले साल में अनद मैं और जोशी लाल. साड़ी पहन के बैठ गई इधर. इसको खाना लेके रवाना करो यार, कहाँ से आ गया जाते बीच में. घर जाओ, मेरे को बोलना पड़ेगा. घर जाओ. देखो मेरा 25वां बर्थडे है, लेकिन मैं किसी डाउन. अल्लाह अल्लाह, कहाँ गई तू? तेरा गुस्सा निकाल. सुबह सुबह उठ के हम लोग आ गए हैं टाइम पास करने. ये मेरी अम्मी है. बिरयानी खाऊंगी, बिरयानी. वो हंसती भी है. कहाँ गए ममता भरे. गाइस इन लोगों ने निकलते निकलते 4 बजा दिए दिन की. एंड दिस इज माई बर्थडे डे आउटफिट. मैंने ऐसा कुछ एक ड्रेस पहना है, बहुत ही समरी और ट्रेंडी पीस है ये. और अब हम लोग जा रहे हैं कहीं लंच करने, बहुत अच्छी इस जगह. सो लेट्स गो. सो गाइज हम लोग आए हैं अमराई रेस्ट्रो बार. एंड वाओ, इसका एस्थेटिक इतना ज़्यादा सुंदर है. मैं आपको दिखाती हूँ. हम लोग लंच करने के लिए यहाँ पर आए हैं, पर हम लोग 4:30 पर आए लंच करने के लिए. लेकिन यहाँ का एस्थेटिक इतना ज़्यादा खूबसूरत है. जस्ट लुक एट द व्यू गाइज, लुक एट दिस प्लेस. यहाँ के एस्थेटिक इतने सेक्सी है ना, यहाँ इतनी सुंदर पिक्चर आएगी ना, वाओ. गाइज हम लोग लंच करने आने में इतना लेट हो गए कि यहाँ पर उन लोगों ने सर्व करना ही बंद कर दिया. तो अभी हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवाने के बाद एक दूसरी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर हम दाल बाटी खाने वाले. तो मेरे बर्थडे के दिन हम दाल बाटी खाएंगे. एंड हम उस जगह पे जाते हैं और उस जगह के खाने का रिव्यू देते हैं. हरिघर आए हैं और ये यहाँ के गेट का एस्थेटिक है. काफ़ी सुंदर सी जगह लग रही है और मेरे फ्रेंड्स तो बैठ भी गए, तो अब अंदर जाते हैं. वाओ, व्हाट एन एस्थेटिक. और व्यू भी बहुत अच्छा है यार. रुको दिखाती हूँ. लुक एट द व्यू. इन लोगों की शक्ल तो आपको दिख नहीं रही होगी, लेकिन आप व्यू देखो कितना सुंदर है. और यहाँ हम दाल बाटी खाने आए हैं. ये इनकी सिटिंग अरेंजमेंट है. गाइस हम लोग बैठ चुके हैं. ट्रेनिंग सेम टाइमिंग पे हो गया. हम लोग बैठ चुके हैं. हमें आधे लोगों को उधर और आधे लोगों को इधर बैठना पड़ा है. और ये सेटअप है. ओ सॉरी, ये मैंने अंदर पहन रखा था. ये ऐसी है गाइस मेरी ड्रेस. फिर ये सेटअप है हमारा. और विथ अ गुड व्यू हम लोग खाने वाले हैं गुड फूड. ये नहीं है फूड, वो अभी आएगा. ये है हमारा मेरे बर्थडे का फर्स्ट मील. हाँ फर्स्ट ब्रेकफास्ट तो हो गया था, मैं भूल गई थी. ये लंच है जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी दिख रहा है. हम लोगों का खाना इतना आ गया है कि अब हमारे पास प्लेट में जगह कम पड़ गई. जो लोगों ने चिकन खाया है उनके लिए एक स्पेशल प्रेयर हो रही है. उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. तुम्हारी कुर्बानी हम वेस्ट नहीं जाने देंगे. गाइस ये प्रेयर चिकन के लिए हो रही है. तुम हमें अच्छे ही लगोगे. हरिघर दाल बाटी खाने. आज है हमारी फ्रेंड ईशा सिकरवार का 25वां बर्थडे. ये खा रही है मसल मसल के बाटी.
ये है साक्षी हमारी काकू, मैं हूँ मैं, और वीडियो निकालने वाली है वो। गाइस यहाँ आकर सिर्फ हम दो चीजें कर रहे हैं, खा रहे शॉपिंग कर रहे हैं और रेस्ट कर रहे हैं। और अभी हम लोग वापस आ गए शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि आज मेरे पास रात के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ यहीं से कुछ खरीद के पहन लेती हूँ। हमारे हॉस्टल से व्यू देखो, कितना ज्यादा सुंदर व्यू है यार। तो हम लोग निकल गए हैं मेरे बर्थडे डिनर के लिए, और इतना टाइम लेके सब लोग रेडी हुए ना, अभी 10:14 हो रहा है और अभी हम लोग निकले हैं। और ये है मेरा बर्थडे डिनर आउटफिट, और ये मैं अच्छे से आपको इंस्टाग्राम पे दिखाऊंगी। अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो कर रखा हो तो नीचे आईडी है, सो फॉलो कर लो। अभी हम लोग आए हैं इस रेस्टोरेंट बार में, इसका नाम है सोल, और काफ़ी एस्थेटिक वाइब इसकी लग तो रही है। दिस इज द वाइब, काफ़ी अच्छी जगह ही है। गाइज यहाँ पे हमारा बर्थडे डिनर चल रहा है, हो चुका है। गाइज एंड बफेलोस, सुनोगे क्या? हम एक ऑटो में कम से कम 9 लोग घुस के जा रहे हैं, पीछे 3, आगे हम 5। नहीं दो ऑटो लेते लेते तो एक लेते। चल चुप रहे वे। This is our next day, और 12 बज रहे, हम सब नहा धो के लेटे देख रहे हैं, सब सिर्फ पड़े हुए हैं। आपके शो के बाद ओपन करूंगा आपके लिए। आज हम निकल चुके हैं, आज जल्दी निकले, आज 1 बजे निकले, और आज का मेरा लुक बहुत ही ज्यादा कैजुअल है। जहाँ हम बहुत अच्छी जगह रहे लेकिन लुक थोड़ा सा कैजुअल है, और आज सभी का लुक कैजुअल है। देखो हर्ष को छोड़ दे रहा, बस सबका कैजुअल लुक है पर अच्छा है। लेडी कांस्टेबल आई, एक क्या सीनरी है देखो, क्या व्यू है। देखिए सुबह के 1 बज रहे हैं दिन के, और ये सारे लोग हाथ में बैठे हैं, और ये है मेरी कोल्ड कॉफी। कितनी सुधरी और बच्ची हूँ मैं। हाँ इनकी भी यही है। हमने पपड़ी चाट ऑर्डर करी है क्योंकि हमारा बहुत मन हो रहा था कुछ चटपटा और मीठा खाने का। नेक्स्ट आज सिर्फ वॉक करने निकले हैं। पीछे बैठ के आने वालों के साथ ऐसा ही होता है, उनकी चप्पल वहीं छूट जाती है बीच में रास्ते में। ये देखो गाइस, इसलिए इनको पीछे बिठाओ तो इनकी चप्पल, लो चप्पल उठा दो उनके। इन्होंने ये लिया है, दिशा ने लिया अपने लिए, पर ये एक नहीं लिया, ये 2 लिया है, क्योंकि एक ये राहुल ने भी लिया है। अब मुझे लगता है 2-3 घंटे ये यहीं रोड पे, बीच रोड पे खड़े होके बस। अरे बाप रे, गाइस हमारी बोट राहुल चलाने वाला है। वाह क्या बोट चल रही है यार, एक बोट को चलाने वाले इतने सारे लोग हैं। गाइस ये देखिए, ऐसे लोगों को कभी भी नहीं लाना चाहिए अपने साथ में, इनको व्यू का कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपनी नींद में है। अभी मैंने पूछा बोर हो रही हो तो मैंने कर दिया। अब हम लोग जा रहे हैं स्पीड बोट में जा रहे हैं। अब हमारी बस है और हम लोग निकलेंगे 8 बजे। अभी हम लोग सनसेट देख रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, और फिर उसके बाद में हम लोग जाएंगे हमारी ट्रेन पकड़ने।
भी मैंने जयेश भैया ने उनकी गोल्ड की रिंग रखी थी वो मैंने पहन ली है और छुपा दूंगी और उनको बोलूंगी कि पता नहीं कहाँ है तो उनका रिएक्शन दिखाती हूँ अभी आपको। वो तैयार होने मेकअप अब सब डन हो गया है तो क्या बचा अभी। बट गाइस मुझे तो पहले से ही पता था इसने छुपा रखी है इसके पास ही रखी हुई है और इसको भी पता है रिंग के बारे में। वो कब से कोशिश कर रही वीडियो बनाने की बोला यूँ खड़ी भी आए रिंग के लिए। उन्होंने पूरा मेकअप कर लिया अपना सब कुछ कर लिया और उनको बस छोड़ दिया और चल दिए ना याद है ना एहसास है ना कुछ है उनको कि रिंग का है अभी कि नहीं। आपको भी टाइट थी ना आपकी वाली टाइट थी ना क्या रिंग का तो मुझे कब से पता है। गाइस मेरा प्लान चौपट हो गया क्योंकि उन्हें तो पता थी ये बात। आते-आते मैंने घर ले जाने के लिए कुछ सामान पैक करवा दिया यहाँ से बहुत सुंदर सुंदर शोपिंग यहाँ पे सामान इतना है कि तीन तीन ऑटो में लोग और सारा सामान भरा रहा है। अभी हम लोग आ गए हैं उदयपुर के राजवाड़ा ट्रेन में और मेरा बर्थडे खत्म होने के बाद भी मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा है। ये मैंने दबाया तब नहीं बनाया बाबूजी को या मैंने 5-10 मिनट दबाया इन दोनों ने दिया है बर्थडे के टाइम पे तो तुमने दिए नहीं बर्थडे के बाद तो दिया। एक गाना बंद करना अंगूठी दे रहा है साक्षी थी वो आपको पागल हो क्या यार जयेश हमने ट्रेन में नई सुविधा चालू हुई है डोमिनोज के द्वारा यहाँ पर अब आपको पिज्जा भी मिलते हैं तो हम लोग डोमिनोज के पिज्जा खा रहे हैं। सब दोनों लड़कियाँ इस उम्र में पार्लर खेल रही है बैठ के वो भी ट्रेन में पार्लर खेल रही है वो बैठ के। गाइस हम बस पहुंच चुके हैं इंदौर को तो बैठो फिर उठ जाओ यार जल्दी आ चुके हैं इंदौर वापस। गाइस दिस इज एन एंड टू माय बर्थडे व्लॉग और आई होप कि आपको पसंद आया हो। अब हम जाते हैं घर एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तो अंटिल नेक्स्ट टाइम बाय बाय।